एशिया कप 2023 शुरू हो चुका है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला भी खेल चुका है, हालांकि इस मैच का नतीजा नहीं निकला। आपको मालूम ही होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ गया। अब भारतीय टीम के सामने नेपाल की चुनौती होने वाली है। इसी बीच आपको बता दें कि एशिया कप में पहले दो मुकाबलों के बाद वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया की टीम का ऐलान होना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया से एक खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा। दरअसल यहां जिस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी वह और कोई नहीं बल्कि संजू सैमसंग हैं। आपको बता दें कि संजू सैमसंग एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया के साथ बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जुड़े हैं। पहले दो मैचों में केएल राहुल के उपलब्ध नहीं होने के बाद ऐसे क्रैश लगाए जा रहे थे कि संजू को भारत की प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 देखने के बाद ऐसी सभी अटकलों पर विराम लग गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ईशान किशन को विकेटकीपर के तौर पर मौका दिया और उनसे मध्यक्रम में बल्लेबाजी भी कराई, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। ईशान ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रनों की धुआंधार और जोरदार पारी खेली। इस प्रदर्शन के बाद यह तय हो गया कि संजू को आने वाले मैचों में मौका नहीं मिलेगा। वह एशिया कप में बैकअप खिलाड़ी के तौर पर ही टीम के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि संजू को आगामी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी। संजू सैमसन ने भारत के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2015 में की थी, तब से लेकर अब तक वह टीम इंडिया से अंदर बाहर होते रहे हैं। संजू अब तक भारत के लिए वनडे और T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 2015 में डेब्यू करने वाले संजू भारत के लिए 24 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 13 वनडे मैच खेले हैं। वनडे की 12 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 55.71 की औसत से 390 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाया है। T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 21 पारियों में 1 अर्धशतक की मदद से 374 रन बनाए हैं।